हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुचित्रा और आप सभी का प्यारा खरगोश कुपरू आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं रैबिट फन कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गर्मियों के मौसम में खरगोश को क्या क्या देना चाहिए खाने के लिए और कितना देना चाहिए खाने के लिए। इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि समर सीजन में खरगोश का आखिर क्या आहार होता है, क्या परफेक्ट डाइट होता है। तो चलिए जानते हैं गर्मियों के मौसम में खरगोश को क्या देना चाहिए खाने के लिए और कितना देना चाहिए खाने के लिए। ये बताने से पहले मैं एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी जो कि बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि खरगोश को सिर्फ धनिया पत्ता देते हैं खाने के लिए, कैबेज देते हैं, गाजर देते हैं और सोचते हैं ये उनका परफेक्ट डाइट है रैबिट का। लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका है। खरगोश को इस तरह से कभी भी खाना नहीं देना चाहिए, चाहे समर सीज़न हो, चाहे विंटर सीज़न हो या कोई और भी सीज़न हो। तो ये एक गलत तरीका है खरगोश को खाना देने का, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि खरगोश का एक प्रॉपर डाइट होता है, उसके अकॉर्डिंगली ही उसे खाना देना चाहिए। तो समर सीज़न में क्या उसे खिलाना चाहिए उसको जानने से पहले मैं यहाँ पर एक और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि खरगोश के डाइट में क्या क्या होता है, चाहे समर सीज़न हो, चाहे विंटर सीज़न हो, चाहे रेनी सीज़न हो, वाट एवर कोई भी सीज़न हो, आपको ये जो डाइट प्लान है उसको फॉलो करना चाहिए। और समर सीजन में क्या खास तौर पे ध्यान देना चाहिए वो मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि खरगोश के डाइट में क्या क्या होना चाहिए। तो खरगोश के डाइट में सूखी घास जो होता है, जिसको हम लोग हे बोलते हैं, वो होना चाहिए। ग्रीन ग्रास होना चाहिए, ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स हो गए, हर्ब हो गए, फ्रूट्स हो गए, पानी हो गया, और कभी कभी आप महीने में एक बार या फिर दो बार आप उसे आप फूल भी देख सकते हैं खाने के लिए, बहुत ही कम क्वांटिटी में। तो और बहुत लोग खरगोश को पैलेट भी देते हैं खाने के लिए, डॉक्टर से पूछ कर कि कौन सा पैलेट उनके रैबिट को सूट करेगा। तो ये एक प्रॉपर चार्ट है और मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी कि कितना अमाउंट में क्या देना चाहिए। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि समर सीज़न में खरगोश को क्या देना चाहिए और कितना देना चाहिए। आप सभी को स्क्रीन पर रैबिट फूड पिरामिड नजर आ रहा होगा। ये एक रैबिट फूड पिरामिड है और इसके अकॉर्डिंगली ही हमें अपने खरगोश को खाना देना चाहिए हर मौसम में। जी हाँ, तो आज का टॉपिक है कि गर्मियों के मौसम में खरगोश को क्या खिलाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अनलिमिटेड ग्रास है। जी हाँ, सूखी घास। तो गर्मियों के मौसम में खरगोश को अनलिमिटेड सूखी घास देना चाहिए खाने के लिए। उसके डाइट में 80% है होना ही चाहिए, और साथ ही साथ में आप खरगोश को जो फ्रेश ग्रीन ग्रास है वो तोड़ कर दीजिए। और जब उसे आप ग्रीन ग्रास देते हैं तोड़कर, पानी से अच्छे तरीके से धोकर अपने खरगोश को दीजिए खाने के लिए। तो यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जो सूखी घास होती है, जो हे होता है, वो खरगोश के सामने 24 घंटे होना ही चाहिए खाने के लिए। अब चलिए अब हम लोग वेजिटेबल्स और हर्ब की बात कर लेते हैं कि वेजिटेबल्स और हर्ब गर्मियों के मौसम में हम लोग खरगोश को क्या क्या दे सकते हैं खाने के लिए और कितना देना चाहिए। तो जिस तरह से आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि 10%, जी हाँ, तो उसके डाइट में सिर्फ 10% होना चाहिए वेजिटेबल्स और हर्ब। तो यहाँ पर ये आप ध्यान रखिए कि जब भी आप खरगोश को वेजिटेबल्स और हर्ब दे रहे है तो उसे मिक्स करके दे और 2-3 तरह का हर्ब या फिर वेजिटेबल्स मिला कर दे। इसका मतलब यह है कि सुबह और शाम को आपको एक छोटी कटोरी में आपको भरकर वेजिटेबल्स और हर्ब अपने खरगोश को देना है खाने के लिए। यहाँ पर समर सीजन में बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि समर सीजन में आप वही वेजिटेबल्स या फिर हर्ब दें जो कि सीजनली हो। जी हाँ, इसका मतलब ये कहना चाहती हूँ कि गर्मियों के मौसम में जो सब्जियाँ उगती हैं या फिर जो हर्ब उगते हैं वही हर्ब देना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी हम लोग वेजिटेबल्स दे रहे हैं, जैसे कि आजकल तो विंटर सीजन में भी आपको आम देखने को मार्केट में मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें विंटर सीजन में वो आम हमें खाना चाहिए। यहाँ पर सिंपल से यह बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे कि वेजिटेबल्स जो भी आप दे खरगोश को खाने के लिए, तो वो गर्मियों के ही सीजन में उगनी चाहिए और वही वेजिटेबल्स देना चाहिए खाने के लिए। जैसे खीरा हो गया, टमाटर हो गया, पुदीने का पत्ता हो गया, धनिया पत्ता हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, सीजनली है, गर्मियों की सीज़न में मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने खरगोश को दीजिए खाने के लिए समर सीज़न में।
खरगोश के लिए कौन सा वेजिटेबल सेफ है, कौन सा हर्ब सेफ है, किस तरह से वेजिटेबल्स और हर्ब मिलाकर हमें देना चाहिए, दो तीन तरह का अगर आप डेमोस्ट्रेशन देखना चाहते हैं तो ये सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग पैलेट वाले सेक्शन में चलते हैं और जानते हैं कि समर सीजन में खरगोश को अगर पैलेट देते हैं तो कितना देना चाहिए और कौन सा ब्रांड कौन से कंपनी का देना चाहिए। तो यहाँ पर ये बताना चाहूँगी सबसे पहले कि पैलेट को लेकर बहुत सारे कुछ डाउट्स रहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिना पैलेट का भी रैबिट फूड पिरामिड कंप्लीट होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रैबिट का फूड पिरामिड जो डाइट चार्ट है वो बिना पैलेट का कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट करता है ये सारी चीज़ें। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये बताऊँगी कि मैं अपने खरगोश गुबलू को पैलेट नहीं देती हूँ और सारा चीज़ मैं फॉलो करती हूँ। बहुत सारे लोग पैलेट देते हैं, तो अगर आप अपने खरगोश को पैलेट देना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने वेटनरी डॉक्टर से पूछ कर ही पैलेट दे, कौन सा ब्रांड का देना है वो भी पूछ कर ही दीजिए और कितने अमाउंट में देना है, कितना ग्राम देना है, कितने कब देना है, ये आप अपने वेटनरी से डॉक्टर से कंसल्ट करके ही अपने खरगोश को पैलेट खिलाए। ऐसा नहीं कि कोई भी मार्केट से लेते आए और अपने मन के हिसाब से अपने खरगोश को दे रहे हैं पैलेट दे रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो ये तो हो गई पैलेट की बात। अब चलिए समर सीजन में खरगोश को ट्रीट हम लोग किस तरह से दे सकते हैं, मतलब कि कौन कौन सा फल हम लोग खरगोश को खिला सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम बात आती है कि खरगोश को गर्मियों के मौसम में वही फल आप दीजिए जो कि सीजनली है, जो कि गर्मियों के मौसम में मिलता है, जैसे कि हो गया आम, हो गया पपाया, हो गया ग्रेप्स, हो गया तरबूज, हो गया। तो ये सारे फ्रूट्स आप अपने खरगोश को गर्मियों के मौसम में दे खाने के लिए और एज ए ट्रीट देना है, मतलब कि सप्ताह में सिर्फ दो बार देना है और बहुत ही कम अमाउंट में देना है। जी हाँ, अगर आप डिटेल ज़्यादा जानना चाहते हैं कि कौन सा फल खरगोश के लिए सेफ है, कौन सा फल खरगोश के लिए सेफ नहीं है, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से लिंक क्लिक करके आप ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं। अब चलिए अब जो चौथा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो कि समर सीजन में खरगोश के लिए बहुत ही ज़रूरी है वो है फ्रेश पानी। जी हाँ, जिस तरह से खरगोश के सामने 24 घंटा सूखी घास हम लोग रखते हैं गर्मियों के मौसम में, उसी तरह ठीक के 24 घंटे हमें अपने खरगोश के सामने फ्रेश पानी रखना है पीने के लिए। यहाँ पर एक अधिकतर गलती हो जाती है अधिकतर लोगों से। अधिकतर लोग सोचते हैं कि खरगोश तो पानी पीते नहीं है तो उसके सामने पानी क्यों रखे, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। खरगोश पानी पीते हैं, अगर खरगोश पानी नहीं पिएगा तो उसका बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा और बॉडी में पानी की कमी होने के कारण खरगोश की जान भी जा सकती है। इसलिए फ्रेंड्स, चाहे कोई भी सीजन हो और गर्मियों में तो और भी बहुत ही ज़रूरी होती है कि खरगोश के सामने 24 घंटा पानी रखा ही रखा जाए। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि आपका खरगोश पानी नहीं पीता, आपके सामने पानी नहीं पीता है, तो इसका भी मैंने ट्रिक एक वीडियो में बताया है, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आपके सामने आपका खरगोश आपका बनी पानी पिएगा। तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने जाना कि समर सीजन में खरगोश का क्या परफेक्ट डाइट होना चाहिए और क्या क्या उसे देना चाहिए और कितना खिलाना चाहिए। जी हाँ, तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या जाना, एक बार फिर से मैं ओवरऑल एक बार रिपीट करना चाहती हूँ ताकि आपको एक कंक्लूड एक आइडिया लास्ट में फिर से मिल पाए। गर्मियों के मौसम में खरगोश को 80% हे देना है, मतलब कि 24 घंटा खरगोश के सामने हे जो सूखी घास होता है वो हमें रखना है और 24 घंटा फ्रेश वाटर उसके सामने होना चाहिए। जो सेकंड चीज़ है वो है जो कि वेजिटेबल्स और हर्ब। तो सुबह और शाम छोटी कटोरी से आप मिक्स करके वेजिटेबल्स और हर्ब आप मिलाकर दीजिए और खाने के लिए खरगोश को, और उसके डाइट में सिर्फ 10% वेजिटेबल्स और हर्ब होना चाहिए। अगर पैलेट दे रहे हैं तो डॉक्टर से पूछ कर दें, और ट्रीट जो फ्रूट्स है वो वीक में सिर्फ दो बार देना है और बहुत ही कम अमाउंट में देना है। और ट्रीट का मैंने परसेंटेज बता दिया, रैबिट के डाइट में कितना होना चाहिए, सिर्फ 2-3% होना चाहिए। और खरगोश को गर्मियों के मौसम में वही फ्रूट्स देना चाहिए जो कि गर्मियों के मौसम में उगती हो। जी हाँ, तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने एक ओवरऑल आइडिया जाना और एक ओवरऑल हम लोगों ने जाना कि क्या हमें खरगोश को देना चाहिए गर्मियों के मौसम में खाने के लिए और कितना देना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आप एकदम परफेक्ट प्रोपोर्शन जानना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपने वेटनरी डॉक्टर के पास जाए, वो एक्चुअली वो रैबिट के वेट के अकॉर्डिंगली वो देखकर आपको एक पूरा प्रिस्क्राइब करेंगे कि क्या कितना अमाउंट में वेजिटेबल्स देना चाहिए, कितना पैलेट देना चाहिए या फिर और भी चीज़ें वो देखकर वो प्रिस्क्राइब करेंगे। तो जहाँ तक मेरा जो बेस्ट नॉलेज है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आपको ये वीडियो आपको से बहुत ही आइडिया मिला होगा और आपको एक कम्प्लीट नॉलेज मिली होगी। क्या फ्रेंड्स, आपको इससे पहले क्या आपको पता था कि समर सीजन में खरगोश को क्या क्या खिलाना चाहिए और कितना खिलाना चाहिए
और सीजनली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही देने चाहिए, ये क्या सारी चीज़ें आपको पता थी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। हो सकता है कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी लगा होगा, लेकिन क्या आपको ये वीडियो काम का लगा कि नहीं लगा? मैंने कोशिश किया है कि थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करके मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँ, ताकि आपको थोड़ा सा एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए और ये वीडियो देखने के बाद आपको फिर से कोई भी डाउट या फिर कन्फ्यूज़न ना हो। तो अभी के लिए मैं सुचित्रा और आप सभी का प्यार खरगोश कुप्पू आप सभी लोगों से इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।